हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इक्ता और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मीशो कुर्ती हॉल अंडर 300 रुपीज। एंड ये वाली सीरीज आपको ना जनरली बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आज फिर से कुछ कुर्तीज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल टू वेयर है इस सीजन में एंड ऑल आर अंडर 300 रुपीज। एंड इनको आप फेस्टिव अप्रोप्रिएट भी बना सकते हैं, जैसे कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है तो आप उसी तरीके से स्टाइल कर पाएंगे इन कुर्तीज को। सभी के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर आप चेक कर लें, खरीदना तो खरीद लेना वहां से। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली कुर्ती जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये रेड कलर में, ब्रिक कलर है, इसको ब्रिक कलर ही बोलते हैं। एंड यू कैन सी कि ये पूरे कुर्ते पे आपको ये लीफ प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी जो आपको मिलेगी तो पूरे ही कुर्ती पे है नीचे तक। एंड ये व्हाइट कलर की आपको मिलती है तो इसलिए मैंने व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ इसको स्टाइल करके दिखाया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। बाकी स्ट्रेट फिट कुर्ती है ये, बैक से प्लेन है, फैब्रिक इज रियॉन, तो बहुत ही कंफर्टेबल है इस सीजन में। एंड अंडर 300 आपको बहुत ही प्यारी कुर्ती मिल रही है। इसमें ना और भी बहुत से कलर्स अवेलेबल थे तो यू कैन चूज फ्रॉम दैट कलेक्शन। एंड गाइज, ये ऐसी कुर्ती है ना, इसको आप ऑफिस में कैरी कर सकते हैं, कॉलेज में कैरी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा वर्क नहीं है, ओनली थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, तो ये काफी मिनिमल वर्क है इसमें। नेक्स्ट कुर्ती है मेरे पास ये येलो कलर में। एंड ये गाइज बहुत ही सुंदर रिसीव हुई है मुझे, ट्रस्ट मी। सबसे पहले तो इसका फैब्रिक इज रियॉन, तो बहुत कंफर्टेबल है वेयर करने में। देन आप इसके योक पार्ट पे पूरा वर्क देखो, ये जरी थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क, तीनों ही वर्क आपको इसमें मिलेंगे। एंड इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। देन पूरी कुर्ती पे भी ये आपको पूरा प्रिंट मिलता है आगे और पीछे की तरफ, यू कैन सी पूरा फ्लोरल प्रिंट आपको मिलेगा ऐसे डॉट डॉट में। बाकी आप इसकी 3/4 स्लीव्स देख लो, इस पे भी आपको ये फॉयल प्रिंट मिलता है, मतलब ये कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही है कि ये 300 के अंदर मुझे मिली है, ये कम से कम 500 की कुर्ती तो लग ही रही है। ये स्ट्रेट फिट है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वर्क इन लोगों ने दे दिया है, स्टिचिंग ही इतनी की नहीं पड़ती है, लेकिन आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। एंड साइड में आपको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिलती है, आप इसका पूरा लुक देखोगे ट्राई ऑन पार्ट में जिससे कि आपको समझ में आएगा। एंड मेरी हाइट है 5'4", तो आप रेफरेंस ले लेना कि आपको कहाँ तक आएगी। ओवरऑल मेरे को ये कुर्ती बहुत पसंद आई और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट कुर्ती ली है मैंने ये पर्पल कलर की, बांदनी प्रिंट में। एंड इस पे जितना भी प्रिंट आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले ये बांदनी प्रिंट की मुझे बहुत सुंदर लगा, कलर इज वेरी वेरी प्रिटी। ऐसा पर्पल कलर ना ज्यादा होता नहीं है, इस तरीके का पर्पल मैंने बहुत देखा है लेकिन इस तरीके का पर्पल मैंने कम देखा है। कि योक पार्ट पे आपको सीक्वेंस वर्क और थ्रेड वर्क मिलेगा गोल्डन कलर से, बाकी आपको व्हाइट कलर का भी थ्रेड वर्क मिलता है साइड में। एंड 3/4 स्लीव्स हैं इसकी, यहाँ पे क्रोशिया वाली डिटेलिंग जो लेस होती है वो लगी हुई है, नीचे पूरा ये स्ट्रेट फिट है। एंड इसके पीछे भी आपको ये बांदी प्रिंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आगे आगे मिल रहा है, सब कुछ इस कुर्ती का मुझे अच्छा लगा सिर्फ इसके फैब्रिक को छोड़ के। इसका फैब्रिक बेटर हो सकता था क्योंकि जैसे मैंने बाकी दोनों कुर्ती दिखाई ना, वो बहुत ही सॉफ्ट रेयन फैब्रिक में है, ये कॉटन ब्लेंड का फैब्रिक है। पता नहीं मुझे डिस्क्रिप्शन में रेयन या कॉटन ही दिखा था, लेकिन दिस इज नॉट प्योर कॉटन और ये रेयन भी नहीं है, ये मिक्स है, लेकिन कलर इज वेरी वेरी प्रिटी, इसलिए मैंने इसको चूज किया था। बाकी अगर आप कॉटन ब्लेंड पहन सकते हैं इस सीजन में तो आप इस कुर्ती को आराम से ले सकते हैं, अगर नहीं पहन सकते हैं तो मैं बाकी जो कुर्ती दिखा रही हूँ उसमें से चूज कर लेना। नेक्स्ट आई हैव इज दिस पिंक कुर्ती, एंड जिसपे आपको पूरा ये फॉयल प्रिंट दिख रहा है गोल्डन कलर का, इसका योक पार्ट कुछ इस तरीके से है जिसपे ये पोटली बटन्स हैं एंड इसपे अगेन ये गोटा पट्टी का वर्क है जो कि है गोल्ड में, एंड देन गोल्ड ही फॉयल प्रिंट वर्क है, बाकी रेयन इसका फैब्रिक है, ये सॉफ्ट वाला रेयन है तो आप आराम से पहन सकते हैं इस सीजन में, किसी भी सीजन में बल्कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये है इसकी स्लीव्स पे भी आपको ये फॉयल प्रिंट वाला वर्क मिलता है जो सेम पूरा योग पार्ट पे आपको मिल रहा है। बाकी आप ये कुर्ती देख लो, बहुत ही सुंदर कुर्ती है, मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि 300 के अंदर आपको एक ये वाली कुर्ती मिल रही है, मतलब
बहुत ही सुंदर सॉफ्ट फैब्रिक है एंड पीछे भी प्रिंट इन लोगों ने किया हुआ है, कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करते ये प्रिंट करने में। एंड मुझे तो बहुत पसंद आई, खासकर इसका जो कलर है पिंक रेड ग्रीन, इस तरीके के कलर बहुत ज़्यादा फेस्टिव अप्रोप्रिएट होते हैं, अच्छी सी वाइब देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक पिंक इंक्लूड कर दूँ। एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाय द वे सभी में मैंने अपना स्मॉल साइज लिया है तो आप उससे भी रेफरेंस ले लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ती जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये ब्लू कलर में। ब्लू कलर की ऐसी कुर्ती मैं ऐड ना करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी हॉल में, एंड ये मैंने ऐड की है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। एंड इसमें गाइस कोई भी सीक्वेंस वर्क नहीं है, तो आप इसको ना ऑफिस में कैरी कर सकते हैं, कॉलेज में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप फेस्टिव के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा योग पार्ट है ना इस पे ये पूरा ऐसे थ्रेड वर्क आपको मिलेगा वाइट कलर से, बाकी इस पे टैसल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत वर्क है ये जो पूरा आपको दिख रहा है। देन आपको 3-4 स्लीव्स मिलती हैं, प्लेन है, बाकी यहाँ पे क्रोशिया वाली अगेन लेस लगी हुई है, पूरा ये प्लेन है, इसे आप वाइट कलर के प्लाजो के साथ कैरी करें, बहुत ही सुंदर लगेगा। और फेस्टिव अप्रोप्रिएट बनाना है इसे तो अच्छे से आप एक्सेसराइज करें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरा साइज इसमें स्मॉल है, फैब्रिक इज रियॉन, वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको मेरा ये मीशो कुर्ती हॉल अंडर 300 अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप, लाइक करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती तो प्लीज लाइक तो कर ही दिया करो। सभी के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर आप चेक कर लें, खरीदना हो तो खरीद लेना वहां से। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।